नमस्कार दोस्तों, रॉयल इंडिया में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम आए हुए हैं हाजीपुर के महिंद्रा शोरूम और चंदा मामा सर्विस सेंटर में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है महिंद्रा का शोरूम, जहाँ से आप नई नई गाड़ियाँ खरीद सकते हैं, और ठीक उसके बगल में ही महिंद्रा का चंदा मामा शोरूम है। और चंदा मामा महिंद्रा के सामने दिग्घी कला जेल है। आप देख सकते हैं कि ठीक इसके सामने दिग्घी कला जेल है। और ये जो हाईवे है, यह हाईवे सीधा हाजीपुर स्टेशन की तरफ गई है, जो पटना होते हुए भी चली जाती है। और यह हाईवे जो है भगवानपुर होते हुए डायरेक्ट मुजफ्फरपुर जाएगी। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आखिर सर्विस सेंटर में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। इस वीडियो के साथ बने रहिए और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे ही आप चंदा मामा महिंद्रा सर्विस सेंटर में एंट्री करेंगे, आपको गेट पर ही ऐसे सिक्योरिटी गार्ड देखने को मिलेगा, जो आपसे परमिशन लेगा, आपसे सर्विस बुक मांगेंगे। अगर आप किसी काम से जा रहे हैं तो आपसे पूछताछ करेंगे कि आप किस काम से जा रहे हैं। और मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी आया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये पतरकू भी आए हुए हैं सर्विस सेंटर, आज इनको घुमा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि नई नई गाड़ियाँ जो स्क्रैप्ट हो जाता है उसमें सर्विस सेंटर में लाई जाती है। जो इंश्योरेंस जिसका रहता है, एक्सीडेंट हो जाता है, इंश्योरेंस बचा हुआ है तो इंश्योरेंस क्लेम करने के बाद यहाँ पे गाड़ियों की लाई जाती है, देख सकते हैं। और यह सर्विस सेंटर का मेन ऑफिस है, जहाँ पर आपको सर्विस सेंटर का जॉब कार्ड दिया जाएगा। और उसके बाद आपको हम डायरेक्ट लेके चलते हैं सर्विस सेंटर में, जहाँ पर गाड़ी की मरम्मत की जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो एरिया है वो कॉमर्शियल गाड़ी की सर्विस सेंटर का एरिया है। यहाँ पे सिर्फ कॉमर्शियल गाड़ी का सर्विस किया जाता है। और यहाँ पे लोडिंग प्रेशर भी लगा हुआ है, ताकि गाड़ी को प्रेशर पर उठा करके उसके बाद सर्विस किया जाता है। आप देख सकते हैं। और ये जो है लाल और ब्लैक कपड़ा में भाई साहब जो है सबसे एक्सपीरियंस ज़्यादा आदमी है चंदा मामा शोरूम के सर्विस सेंटर के। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर से गाड़ी को उठा करके और किस तरह से सर्विस किया जा रहा है। आपको हम लेके चलते हैं एक जगह और, जहाँ पे सर्विसिंग किए जा रहे हैं। और ये भी है चंदा मामा शोरूम के सर्विस सेंटर के अनुभवी स्टाफ या इंजीनियर कह लीजिए, जो गाड़ी की मरम्मत कर रहे हैं। दोस्तों अब जो है मैं आपको डायरेक्ट वहाँ लेके चलता हूँ, जहाँ पर स्पेयर पार्ट्स मिलता है। तो यह ऑफिस है जहाँ पे स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं गाड़ी के। लोग अपने कोडिंग वर्ड को देख करके और क्या गाड़ी में क्या खराबी है, क्या नहीं खराबी है, वो तो सबको देख करके यहाँ से आप स्पेयर पार्ट्स ले सकते हैं। यह सर्विस सेंटर का रूम है। और अब आपको हम यहाँ पे लेके आए हुए हैं, जहाँ पे प्राइवेट गाड़ी का रिपेयरिंग किया जाता है। ये प्राइवेट एरिया है, जहाँ पे सिर्फ प्राइवेट गाड़ी का ही सर्विस किया जाता है। आप देख सकते हैं कि यह पूरा सर्विस सेंटर जो है प्राइवेट गाड़ियों के लिए ही है। आपने स्टार्टिंग में कॉमर्शियल गाड़ी का सर्विस सेंटर देखा था, और उसके बाद आपको हम यह प्राइवेट सेंटर में लेके आए हुए हैं, जहाँ पे प्राइवेट नंबर गाड़ी का ही सिर्फ सर्विस किया जाता है।
यह सर्विस सेंटर एरिया है, तो काफ़ी जो है बड़ा है चंदामा वहाँ के सर्विस सेंटर। और मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है अच्छे अनुभव है लोगों का, अच्छे गाड़ी बनाने का अनुभव है और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है, गाड़ी भी जल्दी बना के दे देते हैं। और मैं तो कहूँगा कि यहाँ का जो स्टाफ है बहुत ही मतलब अपने अपन आदमी समझ लीजिए, कि जब आप इनसे बात करेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम किसी अदर पर्सन से बात कर रहे हैं, किसी गैर से बात कर रहे हैं। यहाँ का स्टाफ जो है बहुत ही अच्छे से पेश आते हैं कस्टमर के साथ, और यही हमको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो यह पूरा एरिया जो हम आपको दिखलाया है चंदामामा महिंद्रा हाजीपुर शोरूम सर्विस सेंटर का एरिया है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आप लोगों ने आज देखा कि हाजीपुर के चंदामामा सर्विस सेंटर में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे कमर्शियल गाड़ी कहाँ पे सर्विस होता है और प्राइवेट गाड़ी कहाँ पे सर्विस सेंटर होता है। तो मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक ला जय हिंद।